दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले साउथ ईस्ट के टॉयलेट की। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी के साउथ ईस्ट में जब भी टॉयलेट आता है, अग्नेय कोण पे अगर टॉयलेट आएगा आपका, वो वास्तु के अनुसार गलत होता है दोस्तों, और आपको इसकी रेमेडी करनी बहुत जरूरी होती है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेडरूम होता है, मास्टर बेडरूम में इस पर वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है, बट उसके साथ क्योंकि हमारे घर की चौड़ाई कम है और नॉर्थ फेसिंग हमारा मकान है, तो उसमें साउथ वेस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम आएगा तो आपका टॉयलेट आमतौर पे साउथ ईस्ट में आ रहा होता है दोस्तों, तो उसकी आपको करनी पड़ती है रेमेडी, और आज हम इसी रेमेडी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपको देखनी है दोस्तों, आपको अपने टॉयलेट का इंटीरियर चेक करना है कि उसमें बेदिंग एरिया कहाँ पे आ रहा है, उसमें वॉश बेसिन कहाँ आ रहा है, उसमें सीट कहाँ आ रही है। ये तीन मेन चीज होती है, और अगर बाथटब आपके टॉयलेट में लगा है, आपके बाथरूम में बाथटब भी लगा हुआ है, तो वो कहाँ आ रहा है, आपको इन सब की लोकेशन चेक करनी है। सीट जैसा कि आप जानते हैं साउथ वॉल पे आनी चाहिए या नॉर्थ वॉल पे आनी चाहिए। सेकेंड चीज आती है वॉश बेसिन, वॉश बेसिन आपका नॉर्थ वॉल पे आना चाहिए या ईस्ट वॉल पे आना चाहिए। तीसरा है दोस्तों आपका जो टैप सारे हैं, बेदिंग एरिया आ रहा है, वो आपका नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे आना चाहिए। उसके बाद आता है बाथटब, बाथटब भी आपका नॉर्थ साइड में आना चाहिए या ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लगते हुए आएगा दोस्तों। ये तो हो गई टॉयलेट के इंटीरियर की बात, और अगर आपके टॉयलेट का इंटीरियर भी गलत है तो आपको उसकी भी रेमेडी करनी है। इसमें सबसे पहले हमारे को एक रेमेडी करनी है, हमें उस टॉयलेट के आसपास, क्योंकि साउथ ईस्ट में हमारा टॉयलेट है, अग्नि कोण पे हमारा टॉयलेट है, इसका मतलब फायर कॉर्नर एक्टिवेटेड नहीं है हमारे घर का। उसको एक्टिवेट कराने के लिए हमें उस टॉयलेट के आसपास, टॉयलेट के अंदर नहीं कभी भी यूज करेंगे, टॉयलेट के बाहर आपको रेड कलर का यूज करना है। अब वो आप रेड कर्टेन लगा सकते हैं, रेड कलर कर सकते हैं, रेड वॉलपेपर लगा सकते हैं, कोई रेड लाइट यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई भी रेमेडी आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद सेकेंड रेमेडी आपको करनी है टॉयलेट के अंदर, आपको टॉयलेट के अंदर रखना है सी सॉल्ट, समुद्री नमक आपको अपने टॉयलेट में रखना है, जिससे कि ये नेगेटिविटी, जो टॉयलेट में नेगेटिविटी बन रही है, उसको वो वहीं के वहीं खत्म करे। और आपको इस समुद्री नमक को एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर चेंज करना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी आपको करनी है, आपको इस्तेमाल करना है उस टॉयलेट में स्पाइडर प्लांट या स्नेक प्लांट का। इंडोर प्लांट है, बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं और अच्छे भी लगते हैं दोस्तों अंदर रखे हुए। आप एरिकेरिया पाम भी यूज कर सकते हैं, पाम की ही एक वैरायटी है, उसको आप यूज कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट या एरिकेरिया पाम भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी प्लांट आप अपने टॉयलेट में रख सकते हैं दोस्तों। ये आपको दूसरी रेमेडी करनी है, इन दोनों रेमेडीज को कीजिए और दोस्तों टॉयलेट के बाहर रेड कलर का यूज कीजिए। देखिए आपके टॉयलेट की जो नेगेटिविटी है वो लगभग 80% तक खत्म हो जाएगी, और जो साउथ ईस्ट में टॉयलेट की वजह से, जो आपको वास्तु डिफेक्ट की वजह से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, आपको हार्म हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, वो 80% तक खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये आपके रिलेशंस को खराब करता है, ये आपके सोशल सर्कल को खराब करता है, तो वो आपका बेटर होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।